सवाल है स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या था हमारा? रोमन न्यूमरल्स, और इसमें भी हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। देखो 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। उनकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हमें देखना है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हम देखेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो क्या लिखा है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। क्या कह रहे हैं, फिल करो ब्लैंक्स को, मींस फिल इन द ब्लैंक्स है रोमन न्यूमरल्स को यूज करके, है ना। इट मींस हमें ब्लैंक्स में भी क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स ही भरना है। तो देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इनको देखेंगे हम, क्या है ए वाला, अगर हम पार्ट देखें, ठीक है, ए वाला पार्ट देखें तो देखो ये है, फिर प्लस, फिर ये और फिर ये। मींस ये कह रहे हैं हमसे कि इस नंबर में हम क्या प्लस कर दें, ठीक है, इस नंबर में हम क्या प्लस कर दें ताकि हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात सुनो, क्या करना है हर क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स को नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में लिखेंगे। ये कहीं आप रफ वर्क में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा है सबसे पहला ये, तो ये क्या लिखा है हमारा, 7 लिखा हुआ है। तो इसको तो मीन 7 ही है ना, वी आई आई को ए वाला पार्ट कर रहे हैं, तो वी आई आई होता है हमारा 7। तो हम इसको पहले मैं ऊपर छोटा सा लिख देता हूँ 7, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो नंबर है ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 10 + 1 11 + 1 12, इसका मतलब ये हमारा 12। अब देखें अगर ध्यान से तो साइन को देखो, तो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। प्लस का साइन मतलब इस 7 में हम क्या प्लस कर दें, यहाँ पे क्या लिख दें, 7 प्लस क्या लिख दें ताकि क्या आ जाए हमारा 12। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 में हम क्या प्लस करें ताकि हमारा 12 आ जाए, 7 में क्या प्लस करें कि 12 आ जाए। तो जरा सा भी अगर सोचोगे ना तो पता चल जाएगा आंसर, इसका आंसर है 5, है ना। 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। चलो मैंने मान लिया ऐसे भी तुम्हारा आंसर नहीं आया, ठीक है, ऐसे इतना भी हम दिमाग नहीं लगा पाए, है ना। तो क्या कर देना, सीधा सीधा लिखना, देखो मैं साइड में लिख के बताता हूँ, 12 में से माइनस कर लेना 7 को, ठीक है। मीन्स 12 में से 7 को माइनस करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12, मीन्स 12 में से 7 अगर हम सीधा सीधा ही माइनस कर लो, ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा ना, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चला कि इस ब्रैकेट में क्या आना है, 5 आना है। अब हम 5 लिखेंगे कैसे, हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो हम बी लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो, और अब अगर आप चेक भी करोगे ना, तो देखो 7 + 5 क्या होता है हमारा, 12 भी होता है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है, सबसे पहले उसका हमें नंबर में लिखना है, फिर सोचना है क्या करना है। अगर हम बी वाला पार्ट देखें, चलो अब हम बी वाले पार्ट पे आते हैं सबसे पहले, तो बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, देखो पहले तो इस वाले नंबर को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो क्या हो गया, एल मीन्स हो गया 50 में 10 जोड़ दिया तो 60 में 10 जोड़ दिया तो 70 में, और ये बताना जरा मुझे ये क्या होगा, बी आई आई ये पढ़ा था ना हमने, देखो मैं बताऊं आपको, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब हमने फर्स्ट वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हो अगर नहीं किया हो तो, बी आई आई क्या होता है हमारा, ये 7 होता है ना। तो बी आई आई की जगह क्या लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। तो देखो ये हमारा 50, पहला वाला तो हो गया 50, दूसरा वाला 10, तीसरा वाला भी 10 और फिर 7, तो 50 + 10 60 + 10 70 और 70 + 7 क्या होता है, 70 में 7 जोड़ो तो 77, ठीक है, 77। तो ये तो आ गया मेरा 77, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 77। अब इससे हमें पता करना है, तो x होता है मेरा 10, V I क्या होता है, V में 3 I जोड़ दो तो 8 होता है ना, ये भी हमने पढ़ा था, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस ये देखो, अब तो ये तो बनना चाहिए, क्योंकि 77 में 18 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें उसका आंसर लिख देना, थोड़ा सा दिमाग बस यूज करना है। 77 में 18 जोड़ना, जरा क्या आएगा, 77 में 18 जोड़ दो तो 7 + 8 होता है हमारा 15, ठीक है, और 7 में 1 प्लस किया 8 + 1 9, अब 95 को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है, 95 को रोमन नंबर्स में लिखना है, तो 90 मैंने बताया था आपको सी लिखेंगे और एक्स, तो ये तो 90 हो गया,
सी को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये सी हो गया हमारा 100 और उसके पहले छोटा नंबर 10 लिखा है, मतलब 100 माइनस 10, तो सी एक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है 90 को। अब लेकिन हमें 5 और लिखना है 95, तो बी से लिख दिया तो 95 बन गई। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट हमारा कहाँ है, देखो ये हमारा पूरा सी वाला पार्ट। तो चलो अब हम करते हैं इसको, पहले तो हम इस नंबर को लिख लेते हैं। तो देखो 3x है मतलब 30 और ये होता है हमारा 7, ठीक है, बी आई आई होता है 7, तो ये हो गया हमारा 37। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 37। 37 में क्या प्लस कर दें ताकि हमारा ये नंबर आ जाए, और ये नंबर क्या है हमारा, एल हो गया 50, 50 में 10 जोड़ दिया तो 60, 60 में ये वी आई आई 7 होता है, तो ये 67 है हमारा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं 37 में क्या ऐड कर दें ताकि 67 आ जाए। तो याद रखो ऐसा कभी भी आए ना, अगर इसको पढ़ पाओ 37 में क्या प्लस करेंगे 67, तो सीधा माइनस कर दिया करो और जो आंसर आए वो यहाँ पे लिख देना, चाहे है ना प्लस लिखाओ बीच में चाहे माइनस लिखाओ, दोनों में माइनस ही करना है। तो हमें क्या करना है, 37 और 67 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा वही उस ब्रैकेट में लिखना है। तो हम यहाँ पे 67 लिख देते हैं, उसमें से 37 माइनस करना है हमें, ठीक है। तो अगर हम माइनस करेंगे ना 67 में से 37 को, तो हमारा कितना आ जाएगा डायरेक्ट ही बता सकते हो, 40 आएगा ना, नहीं नहीं 30 आएगा, ठीक है, क्योंकि 37 का 40 50 का 67, हाँ 30 आ जाएगा। तो अब 30 हम लिखेंगे कहाँ पर, इस ब्रैकेट में 30 लिखना है इस ब्रैकेट में। तो सी वाले पार्ट का आंसर आ गया हमारा 30। अब 30 लिखते कैसे, 1x 2x और 3x, तो ये 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सी वाला पार्ट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। जब हम डी वाला पार्ट देखेंगे तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है ना डी वाला पार्ट ये पूरा। तो अब थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे, ठीक है। एक्स सी जस्ट अब भी बताया, एक्स सी क्या किससे रिप्रेजेंट होता है, देखो यहाँ बताया था ना एक्स सी, तो क्या बताया था 90, 90 में क्या प्लस करना है, वी आई आई क्या होता है 7, तो 90 प्लस 7 क्या हो जाएगा 97। हम 97 लिखेंगे कैसे, x और c हो गया 90 और वी आई आई हो गया हमारा 7, तो 97 x c हो गया हमारा 90 और वी आई आई हो गया हमारा 7, तो 97। अब हम करते हैं e वाला पार्ट। e वाला पार्ट का हमारा ये है पूरा, ठीक है। अब इसमें देखो माइनस का साइन आ गया है, इसमें माइनस का साइन आया है, पहले तो 3x है तो वो 30 को रिप्रेजेंट करेगा और ये माइनस करना है, और यहाँ पे क्या आएगा ताकि हमारा क्या आ जाए, ये नंबर आ जाए। और ये नंबर है कौन सा हमारा नंबर, देखो 10, 10 प्लस 5, 15, 15 और 8, 15 और 16, 17, 18 लिखा हुआ है ये। तो ये बेसिकली हमसे पूछना चाह रहे हैं कि 30 में हम क्या माइनस कर दें ताकि 18 आ जाए, 30 में क्या माइनस कर दें कि 18 आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रैकेट इस इधर पे है, इधर पे देखो यहाँ पे भी है ऐसे, इस जगह पर कभी भी अगर ब्रैकेट है ना तो वहां पे हमें माइनस ही करना है, दोनों के रोमन न्यूमरल्स निकालो और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, बस इतना ही करना है। इससे मतलब नहीं हमें कि ये प्लस का साइन लिखा है कि माइनस का, बस माइनस कर दो। तो अगर हम माइनस करेंगे तो 30 में से 18 माइनस करना है ना, तो 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से बन गया 12। तो 12 को हमें इसमें लिखना है, 30 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे ना तो 18 आ जाएगा। तो हम 12 लिखेंगे कैसे, देखो 10, 11 और एक 12, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ई वाला पार्ट। अब हम देखते हैं एफ वाला पार्ट। एफ वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला है ना एफ वाला पार्ट, दिख रहा है ना आपको एफ वाला पार्ट ये है पूरा, ठीक है एफ वाला। चलो तो अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये नंबर कौन सा लिखा है सबसे पहला। तो अगर हम देखें तो 20 और ये है 5, तो 25 लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने लिख दिया 25, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर इस जगह पर ब्रैकेट है तो क्या करना है हमें, क्या करना है माइनस ही करना है, और आई एक्स होता है हमारा 9, तो 25 में से हमें क्या माइनस करना है, मीन्स क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, 25 में से क्या माइनस करें कि क्या आ जाए 9 आ जाए। थोड़ा सोचो और बताओ 25 में से क्या माइनस करें कि 9 आए। तो अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर देंगे, सीधा माइनस करके देख लेंगे, है ना, 25 में से 9 माइनस करा तो ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6 और 1 का 1, तो ये आ गया हमारा 16, क्या आ गया 16। तो
तो हमें इधर ब्रैकेट में क्या लिखना है, 16 लिखना है। तो हम यहाँ 16 कैसे लिखेंगे, देखो 16 लिखना है तो ये हो गया 10 और ये 5 और एक 6, तो 10 और 6 16 हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा एफ वाले पार्ट का, मीन्स 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जी वाला पार्ट। तो जो जी वाला पार्ट है इसको सबसे पहले ये नंबर लिखो, क्या है ये नंबर, 50 60 50, एल मीन्स 50 हो गया, फाइव मीन्स हो गया 55 55, और देखो ऐसे भी देख सकते हो एल मीन्स 50 और ये वी 111 ये होता है 8, 50 + 8 58। ठीक है, अगर देखें दूसरा वाला तो ये हो गया हमारा क्या 30 और ये वी और आई हो गया 6, तो ये हमारा 36। तो 58 में से हम क्या माइनस करें कि 36 आ जाए, 58 में से क्या माइनस करें कि 36 आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे ऐसा क्या है ब्रैकेट है तो हमें इन दोनों को बस माइनस करना है, नंबर लिख करके माइनस करना है। 58 में से माइनस कर दो 36, 58 में से माइनस कर दो 36, तो 8 में से 6 गया तो आ गया 2, 5 में से 3 गया तो आ गया 2, तो 22 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 58 में से 22 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा, 58 में से 22 माइनस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 22 लिखना है, 22 लिखोगे कैसे, देखो एक 10 दो 10 तो ये 20 हो गया और दो लाइन खींच दी तो 22 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा जी वाला पार्ट। अब हम देखेंगे एच वाला पार्ट, है ना। तो देखो अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, एच वाला। एच वाले पार्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो ये वाला जो नंबर है, देखो C और X दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना C means 100 और उसके पहले 10 लिखा हुआ है, तो 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा तो ये 90 हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो ये क्या लिखा है, 5 लिखा है, B लिखा है मतलब 5, तो 90 + 5 हो गया हमारा 95। ठीक है, तो ये हमारा क्या 95, हमने 95 लिख दिया। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा नंबर तो क्या लिखा हुआ है, ये है एल मीन्स 50, L means 50, एक X means 60, एक और X means 70, है ना, 10-10 जुड़ते जा रहे हैं ना, 50, 60, 70, और ये लिखा है हमारा VII means 7, तो 77, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये नंबर जो आएगा ना यहाँ पे, ये आएगा हमारा 77, तो ये आ गया मैंने 77 ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ जाना। अब 95 में से 77 माइनस करना है, जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 95 में से 77 जरा माइनस करना, क्या आएगा, 95 में से 77 माइनस करना है, तो 5 में से 5 तो 15 बन जाएगा, 9 बन जाएगा 8, और 7 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 8, है ना, और 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 18। ठीक है, 18 आएगा। अब 18 मीन्स 95 में से 77 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 18, तो 18 को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है यहाँ पे। तो हम 18 कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया 10, 10 में हमने 5 जोड़ दिया तो 15, और 16, 17, 18, या फिर 10 प्लस 8 होता है 18, और 8 हमें बनाते बनता है ना, 10 के लिए x और 8 के लिए VIII। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर किसका, h वाले पार्ट का। h वाला पार्ट हो गया, अब h के बाद क्या आएगा, h के बाद आएगा हमारा i वाला पार्ट, है ना। तो अब हम i वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो i वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें, i वाला पार्ट ये है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अब नंबर को, ये तो बहुत ही इजी होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। ये हो गया v means 5, और ये 3 लिखा हुआ है, means 3 1 है मतलब 3 है, तो 5 into 3 करना है ना, क्योंकि इन दो इनको मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है कि नहीं, देखो ये दिख रहा है ना मल्टीप्लाई का साइन। तो अब अपन 5 3 का करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को हम लिखते कैसे रोमन न्यूमरल्स में, देखो 15 को लिखते हैं x means 10, v means 5, है ना। देखो कितना 5 3 जा 15 होता है ना, x means 10 और v means 5, तो 15 ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, i वाला हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं j वाला पार्ट, i के बाद है हमारा j वाला पार्ट। तो j वाला पार्ट कहाँ है, देखो ये है j वाला पार्ट, इसको अब हम करेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो देखो मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर को बताओ क्या है, बहुत ही इजीली 10 और +1 11 और +1 12, तो 12।
अब बी मीन्स होता है, ये तो पूरा एट है ना, तो हमने एट लिख दिया, ठीक है, तो हमने एट लिख दिया। अब बस हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, है ना, चलो मल्टीप्लाई करो, वैल्यू एट जो 96 होता है, क्या होता है 96। अब 96 को हमें ऐसे तो लिखना नहीं है, हमें कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। चलो 96 को बताओ मुझे कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, पहले तो 90 लिखेंगे, तो सी एक्स हम जानते हैं 90 होता है, और 6 हम कैसे लिखते हैं, वी और आई, तो ये हो गया 96, है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, जे वाला पार्ट। अब एच जे के बाद क्या आता है, के, तो के वाला ये है हमारा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमारा नंबर क्या लिखा है, आप बताओ, ये 10 और 10 और 1 है ना, तो 21, और ये क्या लिखा है, ये 1 और 1 2, तो 21 into 2 करना है हमारे लिए, ठीक है, 21 into 2, तो 21 को 2 से जरा मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा, 21 को अगर 2 से करेंगे तो 42 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 42 हम लिखेंगे कैसे ये बताओ मुझे, तो 42 देखो, 42 के लिए 40 प्लस 2, और 40 मैंने बताया था एक्स एन होता है 40, और 1 और 1 2, तो 42 है ना, क्लियर है, तो 42 ये हो गया, ठीक है, के वाला पार्ट हो गया। के बाद आ गया हमारा एल, अब एल वाला पार्ट देखते हैं, तो एल वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखना जरा, एल वाला पार्ट है हमारा ये पूरा, ठीक है, एल वाला पार्ट है हमारा ये पूरा। अब हमें इसको करना है, सबसे पहले हम नंबर में लिख लेते हैं, आई एक्स है 9, 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये क्या आ जाए, ये हमारा 90, एक्स और सी मैंने बोला है ना 90 होता है, तो 9 में क्या, 9 कितने जा 90 होता है, तो 9 10 जा 90 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, बस 9 10 जा 90, तो बस ये तो इतना तो बहुत इजीली बन जाएगा, तो L हो गया। अब अपन M करेंगे, M वाला पार्ट कहाँ पर है, ये है पूरा M वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम करते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो इसको हमें क्या करना है, ये डिवाइड का साइन है, कौन सा साइन है, डिवाइड का, ये देखो डिवाइड का साइन है, ठीक है, तो दोनों को हमें नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले इस नंबर को बताओ क्या लिखा है, तो 3 10 लिखे मतलब 30, और ये 6, तो 36, तो 36 को हमें डिवाइड करना है किससे, v और i होता है 6, 36 को 6 से डिवाइड करो, तो 36 को 6 से करेंगे, वैसे तो 6 आएगा लेकिन मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, 6 6 36, तो कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आया हमारा, ये 6, तो जब हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तो अब हम 6 तो बहुत ही इजीली बड़े आसानी से लिख सकते हैं, 6 बी और आई, क्लियर, तो ये हो गया एम वाला। अब हम देखते हैं एन वाला पार्ट, तो एन ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें भी हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बताओ, एक्स और एल हो गया हमारा क्या, कितना हो गया 40, और ये हो गया हमारा 8, तो 48 लिखा हुआ है हमारा ये नंबर, ठीक है, तो हम 48 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा 48, उसके बाद ये लिखा हुआ है हमारा 8, तो 48 को डिवाइड करना है हमें किससे, 8 से, 48 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो चलो करके देख लेते हैं 48 को 8 से डिवाइड, तो वैसे तो 8 कितने जा 40 होता है, 8 से जा 48 होता है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा 6, तो 6 को तो वी और आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया हमारा कौन सा एन वाला पार्ट, है ना। अब देखते हैं ओ वाला पार्ट, तो ओ वाला पार्ट हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ये पूरा ओ वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करो। चलो अब ओ वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उनको नंबर्स में लिखेंगे, है ना, यही हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो ओ वाले पार्ट में एल एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, इस एल मीन्स होता है हमारा 50 और 2x मीन्स 20, तो 50 और 20 हो गया हमारा 70। इसके बाद इसको पढ़ना जरा, इसमें भी डिवाइड ही करना है हमारे लिए, तो ये क्या लिखा है एक्स आई वी, तो एक्स मीन्स होता है 10, आई वी मीन्स होता है 4, 10 प्लस 4 हो गया हमारा 40। अब 70 में से 70 को हम किससे डिवाइड करें कि 40 ना जाए, 70 को मीन्स किससे डिवाइड करें तो 40 ना जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भरना है ना, इसका मतलब ये ना 70 को किससे डिवाइड करें ताकि हमारा क्या आ जाए 40 ना जाए, तो इस केस में भी दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इस ब्लैंक में लिख देंगे। तो 70 को डिवाइड करना जरा 14 से, मैं करता हूँ देखो यहाँ पे साइड में 70 को 14 से, 14 की टेबल आती है, 14 5 जा होता है हमारा 70, ठीक है, 14 5 जा 70, तो आंसर क्या आ गया 5, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 5, ठीक है 5, तो ये आ गया हमारा आंसर ओ वाले पार्ट का। अब हम देखते हैं पी वाला पार्ट,
ये हमारा पी वाला पार्ट, ठीक है। तो पी वाला पार्ट में अगर हम देखें तो देखो क्या है कि सबसे पहले इस नंबर को बताओ, अब डायरेक्ट बता दो मुझे नंबर क्या होगा। एक्स सी तो हम जानते हैं 90 होगा और आई भी होता है 4, तो 94, तो ये नंबर लिखा है 94। 94 को डिवाइड करना है किससे हमें, 2 से। 94 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, क्योंकि दो लाइन खींचे इसका मतलब 2 ही है ना। अब 94 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, साइड में करता हूँ यहाँ पे 94 को 2 से डिवाइड, 94 डिवाइडेड बाय 2, तो 24 जा हो गया मेरा 8, क्योंकि 9 से कम 2 की टेबल में 8 ही आता है, तो 1 बच गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे फिर 4 लिखेंगे तो ये 14 बन गया। अब 27 जा 14, तो 1 इधर 4 इधर और दोनों में से कुछ नहीं बचा, तो 47 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब मुझे यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखना है, 47 लिखना है, तो 47 हम कैसे लिखेंगे पता है, 47, तो 47 हम लिखेंगे 40 + 7, है ना। 40 कैसे लिखते हैं, एल और एक्स पीछे, है ना, तो ये 40, और 7 कैसे लिखते हैं, वी आई आई, है ना, तो ये है हमारा 47। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है क्या, कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। उसकी लिंक की अभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं आप, है ना, और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।